और यहाँ से लेते हैं सुरेश भाई के लिए कुछ मिठाई। बोल रहा था अच्छी मिठाई लाना, नकली मत लेके आना। मैंने कहा ठीक है। उसे मैं अपनी छुई बत लगाई जरा, और उसके बाद निकले फिर अपने घर को। अब जो अगली मुलाकात होगी ना, वो होगी लगभग कितने 6 महीने बाद। 6 महीने बाद। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के काशीपुर शहर से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सुबह सुबह का मौसम है, एकदम चटक धूप खिली हुई है और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बरसात का मौसम होगा, लेकिन बरसात का मौसम तो है। कुछ दिन पहले जहाँ सड़कों में पानी भरा हुआ था, अब सड़कें पूरी तरह से सूखी और साफ दिखाई दे रही हैं। यह है उत्तराखंड राज्य का काशीपुर शहर, जो कि उत्तराखंड के प्राचीन शहरों में से एक शहर है और इस शहर का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। तो इस समय हम जा रहे हैं मुख्य बाजार की ओर। घर से निकलने के बाद हर इंसान यही सोचता है कि वह समय से अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, लेकिन अभी रेलवे फाटक बंद है और इस वजह से हम यहां पर रुके हुए हैं। और यहां पर हर किसी को रुकना ही होता है, क्योंकि यहां पर अन्य कोई विकल्प नहीं है। फाटक खुलने के बाद आप देख सकते हैं कि लोगों में आगे बढ़ने की इतनी होड़ है, और आगे बढ़ने की ये होड़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है द्विचक्र वाहनी चलाने वाले लोगों में। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं रॉक्सी टेलर के पास, और यहां पर देनी है हमें कुछ शर्ट सिलवाने के लिए। तो अभी नाप तोल जारी है। रॉक्सी टेलर के पास कुछ देर कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाई, और इस तरह से खाई कि उससे फिर से जो है शरीर में जान आ गई, और इस जान को लेकर के हम फिर से आ गए हैं काशीपुर की सड़कों में। तो देखिए सड़कों में लोग किस तरह से लगातार आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और आगे बढ़ने का ही नाम है जिंदगी जिंदगी जिंदगी। कूड़े की स्ट्रॉली को देख करके याद आया कि हम लोग कितना कूड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। खैर छोड़िए, हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और ये है पोस्ट ऑफिस वाली गली। फेमस गली है काशीपुर की, आप भी इस गली में जरूर आए होंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम कुछ ही देर में पहुँचेंगे SRS शॉपिंग मॉल में। यहाँ पर अभी हम डुग्गू के लिए देख रहे हैं कुछ कपड़े जो कि 0 साइज होंगे। भाई पहली बार हम किसी छोटे बच्चे के लिए कपड़े खरीद रहे हैं, अनुभव नहीं है, फिर भी अनुभव प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। शॉपिंग मॉल में एसी की हवा खाने के बाद अब फिर से हम आ गए हैं काशीपुर की सड़कों में, और आज के दिन को देखकर ऐसा लग रहा है कि सूर्य देव आज हैं फुल ड्यूटी पर और इंद्र देव हैं आज छुट्टी पर। घर में पहुंचते ही देखा कि घर के आगे एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी थी डाक पार्सल की। कुछ दिन पहले वंदना ने एक वॉशिंग मशीन के लिए ऑर्डर दिया था, और वॉशिंग मशीन आज घर में पहुंच चुकी है। तो देखते हैं वॉशिंग मशीन कैसी है। वर्लपूल कंपनी की है, और ये रही वॉशिंग मशीन। मैंने सोचा था कि इस नई मशीन की अनबॉक्सिंग मैं घर में जाकर के खुद ही करूंगा, लेकिन जो इसे लाए थे उन्होंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी गेट पर, और ये भी ज़रूरी है, यहाँ पर आसानी से चेक किया जा सकता है। सुबह से एकदम चटक धूप लग रखी थी, और फिर दिन में अचानक मौसम बदला और 2:30 बजे से फिर बारिश होनी शुरू हो गई थी, और अब मौसम हो रखा है बिल्कुल औसम। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और बड़ा सुकून मिल रहा है, मौजा ही मौजा। तो
तो यहाँ गढ़वाल सभा में मेरा एक दोस्त रहता है, सुरेश, बचपन का दोस्त है भैया, इंटर कॉलेज से। तो अभी मैं जा रहा हूँ उसके घर में उससे मिलने के लिए। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ स्वीट शॉप में और यहाँ से लेते हैं सुरेश भाई के लिए कुछ मिठाई। बोला था अच्छी मिठाई लाना, नकली मत लेके आना। मैंने कहा ठीक है। तो भाई सब नाराज़ हो जाएं लेकिन दोस्त नहीं होने चाहिए भाई, और दोस्त वैसे भी नाराज़ नहीं होते हैं। तो इसके लिए मैंने रख लिया ये वाली बर्फी, खाएगा तो याद ही करेगा। तो अब फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूं सुरेश भाई के घर में। चाय पानी की व्यवस्था अभी चल रही है, पानी तो पी लिया है, चाय अभी बन रही है कुछ ही देर में। तो अच्छा लगता है पुराने दोस्तों से मिल करके। दोस्तों ये हैं सुरेश भाई, हमारे बचपन के मित्र। जब हम इंटर कॉलेज में पढ़ा करते थे तब से हम दोनों ने एक साथ पढ़ा है, और आज कई दिनों के बाद इससे मिलना हुआ भाई शाम के टाइम। तो सुरेश भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, और मुबारकबाद देंगे हम अशोक भाई को कि इन्होंने भारत की जनसंख्या बढ़ा दी है, वृद्धि में अपना योगदान, अहम योगदान दे दिया है। हाँ, जिसमें कि इनका योगदान कई वर्ष पहले हो चुका है, तो इनको भी बधाइयाँ। अब हम चाइना से आगे जा चुके हैं। हेलो गाइस, अरे ये हमारा छोटा लल्ला सुरेश भाई का बालक। मोबाइल न दे तू है माँ, मोबाइल न सीख तू। अब ये लास्ट टाइम है, ठीक है, बस अब मत खेलना, ठीक है? आधा घंटा बस, ओनली आधा घंटा। जय हिंद, जय भारत। आज मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, जैसे गांव में होता है ना बारिश के बाद धुली धुली धरती, वैसे ही। तो जो शहर का जीवन है वो इतना व्यस्त होता है कि हम दोनों का आपस में मिलना भी नहीं हो पाता भाई, मतलब जबकि इच्छा होती है मिलने की, बिल्कुल होती है, पर मिल नहीं पाते हम। ये भी भाई अभी 5 बजे ड्यूटी से पहुँच रहा घर में, और मैंने भी इनसे टाइम मांगा कि भाई साहब आ सकते हैं कि नहीं, अपॉइंटमेंट लिया अपॉइंटमेंट लिया इनसे, फिर इन्होंने हमें इजाज़त दी, तो फिर हम इनके घर में पहुँच गए। बस कुछ एक दो घंटे का मिलना होता है, उसी में अपनी छुई बत लगाई ज़रा, और उसके बाद निकले फिर अपने घर को। अब जो अगली मुलाकात होगी ना वो होगी लगभग कितने, 6 महीने बाद। 6 महीने बाद, हाँ, बस ऐसे ही होता है, 6 महीने एक साथ। लेकिन जो आत्मीय संबंध होते हैं वहाँ हमेशा रहेंगे, बस एक जैसा, अपन एक जैसे रहते हो, एक जैसे बदलते नहीं मौसम की तरह। तो भाई आज इतने दिनों के बाद बहुत अच्छा लग रहा है सुरेश भाई के साथ। तो सुरेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद इस शाम को बेहतरीन बनाने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। गलत गलत पढ़ लो कहले बहुत सर महीना, ठीक है, ठीक है ना, कि ना तो बड़ा ठीक है, ठीक था। हाँ बाय। तो सुरेश भाई से मिल करके अब हम चलते हैं अपने घर की ओर, और शाम के टाइम जो है लोग अपने घरों से निकल चुके हैं क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, गर्मी नहीं आज, क्योंकि और दिन उमस हो रही है ना मौसम में, तो आज मौसम अच्छा हो रखा है, ठंडा ठंडा, कूल कूल। तो चलिए अब इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप देखिए ये वीडियो। जय हिंद, जय उत्तराखंड।